चैनल। तो गाइज़ आप लोग कैसे हो, आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ मैं आज व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी दवाई के साथ, थायराइड की। ये है 150 mg, तो मैं ये रोज़ सुबह लेती हूँ, रोज़ लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया, 7-8 साल हो गया दवाई ले रही हूँ मैं, तब से ये कंटिन्यू। तो गाइज़ चलो ये दवाई खाते हैं, चलिए। और ये मैं तांबे के लोटे से पानी पीती हूँ सुबह सुबह। तो गाइज मैंने दवाई भी खा ली है। तो आज मन है लड्डू का सैंडविच खाने का, स्मॉल पिज़्ज़ा भी बोल सकते हो, सैंडविच खाने का। तो हम सैंडविच बना रहे हैं, तो चलिए सैंडविच बनाते हैं। तो चलिए तो गाइस ये लगा दिया है मैंने पिज़्ज़ा सॉस, ये वाली पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है, डॉक्टर ओटकर का है, तो मैंने ये लगा दिया है। अब छोटे छोटे मैंने ये टमाटर के पीसेस काटे हैं, क्योंकि लड्डू को गोल काट के पसंद नहीं है, तो छोटे छोटे डाले हैं मैंने। ये छोटे छोटे अनियन, तो हमारा सैंडविच बनने वाला है बहुत ही टेस्टी। और ये चीज़, ये है चीज़, अमूल चीज़, ये छोटे छोटे पीस, क्योंकि लड्डू को ज़्यादा बड़ा वाला स्लाइस पसंद नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे डाल के कर रही हूँ। ये डाल दिए छोटे छोटे पीसेस, पीसेस डाल दिए। ये है गाइस गार्लिक पाउडर, इसे भी हल्का डाल देंगे हम। ये सीजनिंग है और क्यों, अब हम जो ब्रेड का ये ऊपर वाला हिस्सा है इसमें भी हम ये लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसे हम अच्छे से ऐसे बंद कर देंगे। ये हमने टोस्टर ऑन कर लिया है। ये है अमूल बटर गाइस, इसे हम लगा देंगे, फ्रीज कर देंगे हल्का सा ऊपर से भी, ये टोस्ट हमारा चिपके ना। वैसे नॉनस्टिक है ये, बट फिर भी थोड़ा अच्छा सा क्रंची क्रंची फ्लेवर आ जाता है ये बटर लगा के। तो हम इसे रखेंगे यहाँ पे, और हम इसे कर देंगे बंद। हमारा 5-6 मिनट में ही पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, पिज़्ज़ा ही बोल सकते हो, सैंडविच है पिज़्ज़ा, वैसे जो पिज़्ज़ा में यूज होता है वो चीज़ डाली है मैंने, तो स्मॉल पिज़्ज़ा भी बोल सकते हो और सैंडविच भी बोल सकते हो। तो गाइस अब देखते हैं कितनी देर में रेडी होता है ये 5-6 मिनट तक। आपको ज़्यादा क्रंची चाहिए तो थोड़ा और आप कर सकते हो। अब ये मेरे लिए बन रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी सॉस। ये फिर टमाटर, फिर ये प्याज डाल दी है, और फिर ये गार्लिक पाउडर, ये देखिए गार्लिक पाउडर, ये सीजनिंग, ये है सीजनिंग, ये
ये मैं चीज़ डालूंगी थोड़ा ज़्यादा अपने लिए, और फिर हमें इस कर देंगे हम ऐसे पैक। तो गाइस इस समय देखते हैं, हम 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखो हमारा सैंडविच रेडी है। हाँ यह क्रंची हो रहा है, ये देखिए गाइस कितना अच्छा कितना क्रंची। अब हम दूसरा डालेंगे गाइस, ये फिर हम बटर लगाएंगे। बटर लग गया है और अब हम ये रखेंगे ऊपर से भी, और फिर हम इसे फिर से बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया है, लड्डू का सैंडविच रेडी है। दूध रेडी करते हैं, ये है हॉर्लिक्स, और ये गाइस थोड़ा सा ही बचा है, देखिए ख़त्म होने वाला है। ये हम ऐसे डाल देते हैं, थोड़ा ना वैसा हो गया है ये लड्डू ना, ढक्कन खुला छोड़ देता है। तो ये है हॉर्लिक्स लड्डू का, तो इसे थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे मैश कर देते हैं थोड़ा सा। ये लड्डू का फेवरेट कप, ये हमने दूध रेडी कर लिया है लड्डू का। अब हम सैंडविच को करेंगे 2 पीस में कटिंग, ये बड़ा वाला चाकू। चलो अब देते हैं लड्डू को, ये लड्डू के टोस्ट रेडी है। चलो देते हैं लड्डू को, ये लीजिए सर आपका टोस्ट। लड्डू खा के दिखाओ कैसा है। मैं कर दूंगी वो, आप जाओ। यम्मी है। अब ये हाँ आपके लिए है, ये लड्डू का दूध, और ये देख रहा है चीकू का ब्लॉग। ये देखिए कैसा लग रहा है लड्डू का सैंडविच। आपको पसंद है ये। आप क्या बोलोगे, मुंह झल गया आपका, इतना गर्म है ना। ये लड्डू का भी यम्मी यम्मी सैंडविच है ना। आप क्या बोलोगे गाइस को, गाइस करना थक गए। हाँ आप ये बोलो गाइस को कि आपको ये सैंडविच कैसा लगा, मम्मा ने बनाया जो। गाइस आपको कैसा लगा जो मम्मा ने बनाया सैंडविच, अच्छा लगा होगा बनाते समय, तो लाइक कमेंट जरूर करना। ये देखिए मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ, बहुत गर्म हो गया है। तो ये देखिए इसे भी हम कट कर लेंगे 2 पीस में। ये देखिए गाइस कितना यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी लग रहा है। तो गाइस ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, और आप भी ट्राई करो। तो गाइस देखिए सैंडविच इतना यम्मी बनाया, लड्डू ने मेरा इतना यम्मी लगाया कि लड्डू ने मेरा एक ले लिया। गाइस आप भी खाओ लीजिए, ये मैं ही खा लेती हूँ। बहुत यम्मी हो रहा है। अभी वो कूड़े वाला आ गया था क्योंकि जोर से चिल्ला रहा था, मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है। तो गाइस आपको ये सैंडविच कैसा लगा हमारा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्यारे प्यारे ब्लॉग ऐसे ही मैं लाते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।